والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني ارحمني واعفو عني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم कबीरा गुनाह जो बग़ैर तौबा और माफ़ी के माफ़ नहीं होते और कबीरा गुनाह का इर्तकाब करने वाला अल्लाह की मशीयत पर है चाहे अल्लाह अपनी रहमत से उसे माफ़ करे और चाहे उसे अज़ाब में दे। इन गुनाहों में एक गुनाह लोगों के सामने हाथ फैलाना, सवाल करना, गदागर बनना। एक इंसान को हाजत नहीं और वो हाजत ना होने के बावजूद भी लोगों के दरों पे सवाली बन के घूमता है माल इकट्ठा करने के लिए, तो ये बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। अभी तो ये फैशन बन गया है, लोग इसको शीरे मादर समझ के पी जाते हैं और बड़ी बहादुरी समझते हैं कि ये मांगने के अंदर बड़ा मास्टर है। और अमूमन जो फ़कीर, जो पेशावर फ़कीर आपको नज़र आएंगे, उनके हालात भी बेबहा दफ़ा अखबारात के ज़रिए मालूम होते हैं कि वो सारा दिन हाथ फैलाकर धूप में खड़ा होने वाला
उसका बैलेंस चेक करोगे तो अच्छे भले आदमी से ज़्यादा अकाउंट में उसके पैसे होंगे। उसने इसको अपना पेशा बना लिया है, कारोबार बना लिया है। आइए शरीयत इस्लामिया इसके बारे में हमें क्या तालीम देती है। बुखारी और मुस्लिम में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मांगता रहता है, सवाली बना रहता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है, क़यामत के दिन वो खड़ा होगा, उसके चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। यहां तो वो सवाली बन के माल इकट्ठा कर रहा है, लेकिन क़यामत के दिन उसका हशर कितना बुरा हो रहा है। और तो लोगों ने मांगने के लिए झूठे कागजात, अपनी कमीज खुद काट लेंगे और आके मजमे में रोना, जी मेरी जेब कट गई, जी मेरा ये हो गया, जी मेरा ये हो गया। और इन झूठों की वजह से बाज दफा जो हकदार होते हैं वो भी बेचारे महरूम हो जाते हैं। अब तो मांगने की प्लानिंग है, सोच है कि कैसे मांगा जाए और मजीद कैसे मांगा जाए, गदागरी के पेशे में तरक्की कैसे की जाए। लेकिन इस्लाम खबर देता है कि क़यामत के दिन जब इनको उठाया जाएगा, मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इनके चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अबू दाऊद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बेनियाज होने के बावजूद हाथ फैलाया और सवाल किया, यानी उसको हाजत नहीं है, उसकी जेब में माल मौजूद है, बेनियाज है, उसे जरूरत नहीं, उस जरूरत ना होने के बावजूद अगर वो हाथ फैलाता है, सवाली बनता है, तो वो जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेनियाजी से क्या मुराद है, उसकी हद क्या है, उसके पास कितना माल हो तो कहा जाएगा ये बेनियाज है, इसे मांगना नहीं चाहिए। आपने फरमाया, जिसके पास दोपहर और शाम का खाना मौजूद है ये गनी है, जिसके पास शाम का दोपहर का खाना मौजूद है ये गनी है, इसको कोई हाजत नहीं। अब तो मांग कर चंदे इकट्ठे करके, जकात का माल इकट्ठा करके बिल्डिंगें बना ली, कारोबार खड़े कर लिए, और इसमें कोई ऐब ही नहीं समझते, इसको कोई बुराई ही नहीं समझते, बल्कि अपनी जुबान की चालाकी का कमाल समझते हैं। जिससे मीटिंग करता है उसका दिल मुट्ठी में ले लेता है और बिल्कुल उससे जो चाहता है मनवा के उठता है। हकीकत के अंदर ये मुजरिम है, कितना बड़ा मुजरिम कि मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये जहन्नम की आग के अंगारे जमा कर रहा है। कबीरा गुनाहों में से गुनाह वापस ना करने की नीयत से लोगों से कर्जा मांगना, एक तो है कि मजबूर है, उसका गुजर बसर नहीं हो रहा, मजबूरन वो किसी से अपना घर चलाने के लिए, किचन रन रखने के लिए कर्ज मांगता है कि चलो अभी दे दो फिर बाद में लौटा दूंगा। और एक दिल में ये इरादा पहले से है कि कर्जा दे दे, लेकिन दिल कह रहा है मैं वापस कोई नहीं करना, भाई एक बार दाढ़ के नीचे आ जाए सही, मैं बदला लेना इसे, और ले लो जी, कौन देता है आजकल, ये केस भी कर देगा तो हम भी वकील खड़ा कर देंगे, वकील लड़ते रहेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा दाना डलता रहेगा, काम चलता रहेगा, कौन पूछ सकता। या मेरी पावर इतनी है, मेरी ताकत इतनी है, मेरी सियासी कुव्वत इतनी है, मुझसे कोई नहीं वापस ले सकता, मेरे बड़े वास्ते हैं, बड़े ताल्लुक है। अगर कोई शख्स कर्जा लेता है किसी मुसलमान से, किसी इंसान से, बनियत काबू कर जाने के कि वापस नहीं करना, ये कितना बड़ा जुर्म है। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, नसाई के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सुबहानअल्लाह, अल्लाह ताला कर्ज के बारे में कितनी शदीद वईद और सख्ती बयान फरमाता है, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मुझे उस जात की कसम
जिसके हाथ में मोहम्मद अलैहि सलाम की जान है, एक शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद हो फिर जिंदा हो जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो फिर जिंदा किया जाए, शहीद हो और अगर उसके जिम्मे कर्ज है, जब तक उसका वो कर्ज अदा नहीं होगा ये जन्नत में नहीं जा सकता। अब तो हमारी ये सोचे ही बदल गई, वरना मोमिन की सोच ये होती है वो मरने से, सोने से पहले, बिस्तर पे लेटने से पहले अपने सारे मामलात को लिखकर अपने तकिए के नीचे रखता है कि पता नहीं सुबह उठना भी नसीब होगा या नहीं, किससे लेना है, किसको देना है, किसका मेरे जिम्मे है, किसके जिम्मे मेरा है। वो अपने माजरे को बिल्कुल ओपन रखता है, और जो बहादुरी समझता है सिर्फ लेने और वापिस ना करने में, प्यारे हबीब फरमाते हैं ये शहीद हो फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो, अगर इसके ऊपर कर्ज है जब तक वो अदा नहीं होगा ये जन्नत में नहीं जा सकता। तो जब ये नहीं जा सकता और नेक अमलों वाले का क्या बनेगा जो शहीद के मकाम पर नहीं पहुंचा हुआ। कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह, पाक दामन शरीफ नेक औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाना, ये गुनाह बड़ा खतरनाक गुनाह है, ये गुनाह बड़ा शदीद गुनाह है, इसकी वईद बड़ी शदीद है। मालिक फरमाता है इन्नल्लज़ीन यरमूनल मुहसनातिल गाफिलात, जो तोहमत लगाते हैं मोमिन औरतों पर, गाफिल औरतों पर, बेखबर पर, जिस गुनाह की तोहमत उसको लगाई जा रही है उसने वो गुनाह किया नहीं, वो उस जुर्म से गाफिल है, मोमिना है, लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा, ये छोटी बात नहीं है, ये जुबान का हिलाना किसी के ऊपर तोहमत लगाते हुए ये इतना बड़ा जुर्म है। लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे मुजरिम पर अल्लाह दुनिया में भी लानत करता है और आखरत के अंदर भी ये मलऊन शख्स है। अब तो मियां बीवी की थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, खामिंद अपनी बीवी पर तोहमतें लगा देता है, बीवी अपने खामिंद पर तोहमतें लगा देती है, मुझे पता है तेरे किस किस से रबते हैं, मुझे पता, जब गुस्सा ठंडा हो गया, हाँ जी आपने कहा था, जी गुस्से में कहा था मैंने, किसी की शराफत का पता तो लगता ही गुस्से में है, तो कितना शरीफ है, गुस्सा ना आया हुआ हो तो कुत्ता भी किसी को नहीं काटता, वो भी आराम से गुजर जाता है। कौन कितना शरीफ है और कौन कितने पानी में है, वो जब गजबनाक हो उस वक्त देखो, तो गजब की हालत में, लड़ाई की हालत में अपनी बीवियों पर तोहमतें लगाना, तेरा फलां से ये ताल्लुक और तेरा फलां से ये ताल्लुक, मैं तेरे पिछले सारे रिकॉर्ड जानता हूं, मैं जानता हूं तू क्या क्या करती है, और जब गुस्सा खत्म हो गया इसी बीवी को अपने साथ बिठा लेता है, उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करता है। तो ये जो जुबान चलाई और ये जो इल्जाम लगाया, ये ऐसा माजरा नहीं कि आपने तीर निकाला और माजरा खत्म हो गया। अहसाहुल्लाहु व नसूह, आप तो कहकर भूल गए, आप तो तोहमत लगाकर भूल गए, आप तो इल्जाम लगाकर भूल गए, लेकिन अल्लाह के यहां आपके वो जुमले लिखे गए। मुसलमान औरतों पर, पाकीजा औरतों पर, पाकबाज औरतों पर, गुनाहों से गाफिल मोमिना औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाना इतना बड़ा जुर्म है कि ऐसे बंदे पर दुनिया और आखरत में लानत पड़ती है। सिर्फ लानत पे माजरा खत्म नहीं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए क़यामत के दिन बहुत बड़ा अज़ाब है। किसी मुसलमान औरत पे तोहमत लगा दे,